इंदौर जिले के देपालपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर देपालपुर कैसुर रोड पर चांदर पुलिया के पास से स्कॉर्पियो व स्विफ्ट गाड़ी से अवैध शराब तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पकड़ी अवैध शराब की लागत 2,32,000 कीमत की 422 लीटर अवैध शराब जब्त की है। एएसपी पश्चिम महेश चंद्र जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित तलोनी और एसडीओपी संजय चतुर्वेदी के निर्देश पर देपालपुर थाना प्रभारी सुश्री मीना कर्णावत द्वारा गठित टीम ने मुखबिर की सूचना पर देपालपुर कैसुर रोड पर चांदेर पुलिस के पास से स्कॉर्पियो और स्विफ्ट गाड़ी में अवैध शराब तस्करी के लिए ले जा रहे थे। पकड़े गए अवैध शराब की लागत 23 लाख रुपए की बताई जा रही और 442 लीटर शराब जब्त की। अपराधी के द्वारा भागने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस की नाकाबंदी और सतर्कता से अपराधियों को पकड़ लिया गया। आरोपी ने लॉकडाउन के दौरान अवैध शराब तस्करी की जानकारी पुलिस को मिली थी। देपालपुर से विशाल चांदना की रिपोर्ट। अधिकारियों के निर्देशानुसार जो लॉकडाउन के दौरान हथियारों शराब माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई लगातार की जा रही है, जिसमें कल दिनांक 23/7/2020 को ग्राम चांदेर पुलिया के पास में एक स्कॉर्पियो जो है गाड़ी से देसी शराब कीमती 25 पेटी कीमती करीब लगभग 96,000 और एक जो है बेटमा नाका देपालपुर जो मुखबिर सूचना के माध्यम से स्विफ्ट कार से 24 पेटी अवैध शराब जो है जब्त की गई और बाकी थाने पर कार्रवाई की गई। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।